हस्तकला में पारंगत समीना महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने में जुटी। बेमेतरा जिला मुख्यालय के नवागढ़ तहसील की समाज सेविका समीना खान आज किसी की मोहताज न होकर उन्होंने पूरे जिले में ही नहीं बल्कि वरन प्रदेश में भी अपनी एक पहचान बनाकर बेमेतरा जिले को गौरवान्वित किया है। समीना खान का बचपन बस्तर की वादियों में बीता है। उनकी शादी बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील में शाहिद खान के साथ हुई। उनके पति नवागढ़ में समाज सेवा के साथ स्वयं के पैथोलॉजी लैब में कार्यरत हैं। समीना खान बस्तर जिले के आंचल में पड़ी बड़ी होने के साथ बस्तर आर्ट के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसल धान व पैरों के मदद से अपनी कलाओं को निखारने हेतु आगाज किया गया। उन्होंने अपने इस कलाओं को बेरोजगार महिलाओं को अपने घर में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का खर्च चलाकर स्वावलंबी बनाया। समीना खान सहेली हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में तहसील जिले व प्रदेश के लिए प्रेरणा सूत्र बनी हुई हैं। उन्होंने कला संस्था के अंतर्गत बेमेतरा नवागढ़ साजा बेरला थान खमरिया ब्लॉक के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान आर्ट पैरा आर्ट डोकरा आर्ट का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को पारंगत किया है। समीना खान इस सहेली हस्तशिल्प कला के प्रेरणा सूत्र वे अपने पति को दे देते हैं। उन्हीं के जरिए वे आज अपने की प्रतिमा को निखार कर महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण देने उन्हें शुरुआती दौर पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, इसके बाद कारवां चल पड़ा और आज वे बेमेतरा जिले के लगभग 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार स्वरोजगार मुहैया कराया गया। उन्होंने अपने सहेली हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन गुजरात प्रदेश मैत्री बाग भिलाई व्यापार मेला बेमेतरा जिला मुंगेली प्रदेश स्तरीय सांझा कुर्मी सम्मेलन व नागवागढ़ 10 दिवसीय हस्तकला समारोह के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुमरी भेंट कर नवाजा गया है। गुजरात में प्रधानमंत्री का माला से स्वागत हेतु सहेली हस्तशिल्प कला संस्था प्रशिक्षण प्राप्त दो बालिका लता निशान व निधि ठाकुर ने 2017 में नवरात्रि के दौरान गुजरात में धान व पैरा आर्ट से बनी कलाकृति की प्रदर्शनी लगाई थी। यहाँ उन्होंने धान के दानों से बनी खूबसूरत माला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया था। प्रदर्शन में धान व पैरा से बनी कलाकृतियों को लोगों ने खूब सराहा था। समीना खान ने बताया कि सहेली हस्तशिल्प कला की आज बड़े बड़े आयोजनों में प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की बिक्री की जाती है। आयोजनों में सामान की बिक्री से प्राप्त आय को समाज सेवा में लगाने के साथ सदस्यों में बांट दिया जाता है। मैं श्रीमती समीना खान जी हाँ, कहाँ से रहने वाली हैं? मैं तो नवागढ़ में ही शादी होके आई हूँ। बस्तर मेरा मायका है जी। और मतलब बस्तर से मैं बेमेतरा जिला नवागढ़ में शादी होके आई हूँ जी। हमें बताएं कि जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ संस्कृति हस्तशिल्प कला में जी। जो आपकी एक विशेष भूमिका रही है जी। पहचान बनी है, एक नई पहचान, कृतिमान पहचान जो आपने स्थापित किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? इसके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि मैं एक सामाजिक स्तर पे काम कर रही हूँ जी। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं समाज में जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं और जिनको सहयोग नहीं मिल पा जी, जो रोजगार के लिए तरस रही है जी, और जिसको शासन प्रशासन से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा जी, ऐसी महिलाओं को मेरा उद्देश्य है कि मैं आगे बढ़ाऊं और उनको अपने दम पे निशुल्क सेवा का उत्साह करके उनको आगे बढ़ाते जाऊं। आपने जिस तरीके से एक कीर्तिमान स्थापित किया है, खासकर पैराट के साथ साथ अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गोबर खरीदी के काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके समूह के द्वारा गोबर से बने दिए की प्रचलन बढ़ाई है, आपने एक नई पहचान दी है जी। ये मन में कैसे आया, किस तरीके की आपकी सोच रही और कितने समूह के लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? जैसे कि अभी गांव-गांव में मतलब गोबर है जी। गोबर को जैसे कि बहुत लोग फेंक देते थे, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इसका भी हमको उपयोग करना चाहिए जी। तो आज गोबर को बहुत लोग उपयोग में ला रहे हैं, पहले उसी गोबर को फेंका जाता था जी। आज उस गोबर को उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि हमने पैरा आर्ट शुरू किया, हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि पैरा से कुछ कलाकृति बनाई जाती है जी, जी। तो हमने धीरे धीरे करके पैरा से ऐसे ऐसे आर्ट बनाए कि हमारे आर्ट दिल्ली से लेके बम्बई गुजरात हर जगह हमारे आर्ट चलते हैं।
पहले और आज जो दिए का है तो अब हर गांव में दिया अपने हाथ से समूह की महिलाएं बना रही हैं, अपना स्वयं का रोजगार चला रही हैं और जो भी बेनिफिट मिल रहा है अपना घर चला रही हैं। जिस तरीके से आपने समूह के द्वारा से आपने बहुत सारी प्रशंसनीय कार्य किए हैं, जिसमें खासकर आपने महिला कमांडो की भी बखूबी से निर्वहन किया है, हमें बताएं कि उसमें आपकी भूमिका क्या रही और क्या उसमें प्रतिफल मिला आपको? उसमें तो ये है कि जब हम घर में थे, मैं एक मामूली परिवार और एक सहम, मतलब आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम परिवार में महिलाएं कैसी रहती जी, और मुस्लिमों में कितने प्रथा प्रसार है जी जी। मैं ये सब चीज का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे ससुर जी, सास और मेरे हस्बैंड को देना चाहूँगा, जो जिन्होंने मेरे को देखा, मेरी कला को आगे बढ़ाया और मेरे को इस मुकाम पे लेके आए कि आज पूरे जिला में, पूरे छत्तीसगढ़ में लोग मुझे जान रहे हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। इस काम से मेरे को बहुत खुशी भी मिलती है और दिल को सुकून मिलता है। जिस तरीके से आपके समूह का क्या नाम है, बताएं समूह के नाम? हम लोग के समूह का नाम है सहेली हस्तशिल्प। अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं जो बखूबी से कार्य कर रहे हैं? बखूबी से तो कम से कम 10,000 से ऊपर ऐसे सदस्य हैं जो पूरे ब्लॉक में काम कर रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहते हैं जो महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, जिनके पास काम नहीं है और जो सीखने की ललक रखते हैं, ऐसी जो महिलाएं उसको विशेष जो संदेश देना चाहते हैं दे सकते हैं आप? मैं तो बस यही संदेश दूंगी कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारी महिलाएं हम नहीं कर सकती जी, हमसे नहीं होगा, तो कोशिश से ही दुनिया कायम जी। अगर हम कोशिश करते हैं और लोगों को बस यही है कि अपने दिल में उमंग होना चाहिए कि नहीं, हमको ये करना है जी। मैंने जब काम शुरू किया तो तरह तरह की बातें भी होती थी जी, कि ये कैसे कर पाएंगे, ये लोग महिला कमांडो से जुड़े हुए हैं, खुद के घर को सुधारो, बाहर कैसे काम करेंगे, क्या है कैसे है। लेकिन जो हस्बैंड का साथ मेरे को मिला और जो मेरे को आगे बढ़ाए, तो मैं भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि हर एक महिला के लिए उसके शौहर उसका आगे हाथ बढ़ाए और ऐसी महिलाओं को आगे लाएं जो घर में बैठ के रोते बिलबिलाती हैं, एक एक पैसे के लिए तरसती हैं, ताकि वो खुद से अपने बच्चों के लिए भी कुछ करें, घर परिवार के लिए भी कुछ करें और समाज के लिए भी कुछ करें। क्योंकि आज समाज को अपने अंदर की जो आत्मशक्ति है उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग उसके डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं उन लोग के साथ में जो नहीं होना चाहिए। हमारे पास पैसा है, हम इलाज करा सकते हैं, लेकिन आगे वाले व्यक्ति के पास नहीं है, वो क्या करेगा? लेकिन हम स्वयं से अगर कुछ कर रहे हैं और दो पैसा जमा करके रखें तो हमारे घर परिवार में बहुत मदद होगी। तो इसको हमको समझना चाहिए और हमको निराश नहीं होना चाहिए।